अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी तमाम वाईटी फैमिली खैरियत से होगी। इस वक्त आप मेरे साथ मेरे चैनल रेमेडीज़ विद रुबाब खानों पर हैं, जहां पर मैं आपको बहुत ही कम खर्च में तैयार हो जाने वाली मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ बताती रहती हूं। तो आज हमने अनार के खुश छिलकों के साथ या अनार के खुश कलियों के साथ बेबी क्रीम बनानी है, और जो कि आपके जिल्द के बहुत सारे मसाइल को चुटकियों में हल कर देगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटी एजिंग क्रीम भी है। इसके मसलसल इस्तेमाल से आपके जिल्द के जो अज़लात हैं वो बिल्कुल टाइट रहेंगे, और आपके जिल्द पे बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आने देगा, रिंकल से भी जिल्द को बिल्कुल ही क्लियर रखेगी। तो इसके लिए हमने लेनी है अनार के दरख्त की इस तरह की छोटी छोटी कलियाँ। इसके लिए आप अनार के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकती हैं या अनार की कलियाँ, जो भी आपको दस्तियाब हो दोनों आप ले सकती हैं। लेकिन आपने इसके लिए जो रेड बड़ा कंधारी अनार होता है वो वाला नहीं लेना, जो देसी अनार है वही आपने इसके लिए लेना है, जिसका छिलका पतला होता है। तो इसको आपने खुश करके इसका सफ़ूफ़ बना लेना है। तो यहाँ मैं आपसे गुजारिश करती चलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी इस तरह की तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँचती रहें। तो हमने इसको ग्राइंड करने के बाद बहुत अच्छे से छान लिया है। इसको छानने का स्टेप आपने 2 से 3 बार करना है, ताकि आपके पास बहुत अच्छे से इसका एक नफीस सा सफ़ूफ़ तैयार हो जाए, बिल्कुल पाउडर जैसा सफ़ूफ़ आपने इसके लिए तैयार करना है। तो मज़ीद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें आपने 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें अनार के छिलके का सफ़ूफ़ डालना है, और इतना ही इसमें हमने डालना है चावल का आटा। लेकिन चावल का आटा भी आप पहले बहुत ही बारीक छान कर उसको बारीक सा उसका सफ़ूफ़ आपने बना लेना है, ताकि वो चेहरे पर लगाते वक्त दाने दाने सा महसूस ना हो। और अब इसमें हमने डालनी है एक ऐसी क्रीम जिसके साथ हमारे बचपन की यादें वाबस्ता हैं, जो कि हमारी नानियाँ दादियाँ भी इस्तेमाल करती आई हैं और हमने भी अपने बचपन में इस्तेमाल की है, और आज भी इस क्रीम की इफादियत वैसे की वैसी है। उसकी बनावट में, उसकी खुशबू में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इस क्रीम को मज़ीद हमने अपनी इस रेमेडी के साथ बहुत ही बेहतर बना दिया है। तो इसमें हमने डालनी है 2 चम्मच इतनी तिब्बत स्नो क्रीम। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त सी लाजवाब सी एक बेबी क्रीम तैयार हो गई है। एक ऐसी बेबी क्रीम जिसके मसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, आपकी स्किन पर झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और ये क्रीम छोटे बड़े हर उम्र के ख़वातीन बच्चियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं।